दोस्तों, दुनिया में न जाने कितने पक्षियों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। वहीं इन्हीं पक्षियों में से कई पक्षी ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर आपको बहुत प्यार आएगा, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट और डिफरेंट लगते हैं। ऐसा लगता है मानो ये अभी मिल जाएं तो आप इन्हें पकड़कर खिलाने लग जाएं। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आपने कभी मूंछों वाला पक्षी देखा है? अगर नहीं तो परेशान ना हो, मैं आपको आज अपने इस वीडियो में इसी तरह के कई पक्षियों से रूबरू करवाऊंगा जिन्हें देखकर आपका मन करेगा कि लाओ भाई इसको खिला लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल एंट्रापेंट्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। नंबर 1, नॉर्दर्न क्रेडिनल। दोस्तों, मिलिए इस रियल एंग्री बर्ड से जिसकी मधुर आवाज के सभी दीवाने हैं। आपको बता दें कि ये बर्ड काफी छोटी सी और खूबसूरत सी होती है। इसका रंग लाल होता है और इसीलिए हमने इसको रेड कलर की दिखने वाली एंग्री बर्ड का नाम दे दिया है। आपको बता दें कि वैसे तो ये बर्ड अपनी नॉर्मल आवाज निकालती है, मगर इनमें एक खास कला होती है। जैसे इनको कोई शिकारी दिखाई देता है ना, तो ये उसे देखकर उस हिसाब से तुरंत आवाज बदल देती है। नंबर 2, अम्ब्रेला बर्ड। अब इस पक्षी का नाम सुनते ही आप सभी के मन में एक सवाल तो उठेगा कि अरे भाई आखिर ये कैसा नाम है, मगर मैं आपको बता दूं कि ये नाम ऐसे ही नहीं बल्कि कुछ सोच समझकर ही रखा गया है। जी हाँ, दरअसल सेंट्रल और साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाला ये पक्षी जब भी अपने सिर पर लगे पंख को खोलता है ना, तो ऐसा लगता है मानो जैसे कि आपके सामने अम्ब्रेला रखा हो। ये दृश्य वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। और तो और, ये पक्षी जब अपने गले पर मौजूद स्किन को लंबा कर लेते हैं ना, तो ये और भी ज्यादा अनोखे दिखने लगते हैं। नंबर 3, किंग वल्चर। दोस्तों, ये जो पक्षी आप देख रहे हैं ना, ये दुनिया के सबसे अजीब दिखने वाले पक्षियों में से एक है। खैर, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये काफी ज्यादा कलरफुल होते हैं। इस पक्षी का पूरा शरीर ब्लैक एंड व्हाइट होता है, लेकिन इसका मुंह इसे और भी ज्यादा खूबसूरत साबित करता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इसके मुंह पर रेनबो के सारे कलर नजर आएंगे। ये बर्ड सेंट्रल और साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। वैसे दूसरे जीवों की लाइफ इतनी ज्यादा नहीं होती, मगर ये बर्ड लगभग 30 साल तक जीती है। मगर ये बात भी ध्यान में रखना जरूरी है कि घटते जंगलों की वजह से इन पक्षियों की तादाद अब कम होती जा रही है। नंबर 4, सूटी ग्राउस। दोस्तों, जब आप इस बर्ड को देखेंगे ना, तो पहली नजर में आम सी दिखाई देगी, मगर आपको शायद ये मालूम नहीं है कि ये बहुत ही कमाल की है। जी हाँ, हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब इस मेल बर्ड को फीमेल बर्ड को लुभाना होता है ना, तब ये अपनी गर्दन और अपने पंख को बड़ा कर लेते हैं ताकि गर्दन वाले हिस्से को हिलाकर ये आवाज निकाल सके, ताकि उनकी फीमेल उनकी ओर आकर्षित हो जाए। नंबर 5, टिमिंग्स ट्रैगोपन। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस बर्ड का नाम जितना अजीब है ना, ये दिखने में उतनी अलग है। जी हाँ, ये देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है, क्योंकि जब आप इस बर्ड को देखेंगे ना, तो आपको बहुत ही अलग अलग से रंग दिखाई देंगे। जैसा कि आप खुद देख सकते हैं, इनका पूरा शरीर रेड और ऑरेंज कलर का होता है, जिस पर व्हाइट डॉट्स होते हैं। इनकी गर्दन थोड़ी सी ब्लू कलर की होती है, और यही वजह है कि ये दिखने में बहुत ही शानदार दिखते हैं। आपको बता दें कि ये पक्षी अपने मुंह के हिस्से को लंबा करके फीमेल बर्ड्स को लुभाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जब चाहते हैं तब अपने मुंह के हिस्से को लंबा और छोटा कर सकते हैं, जिसके बाद ये वाकई में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। और शायद यही वजह है कि फीमेल बर्ड्स इनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। इसके अलावा एक और खास बात यह है कि ये केवल पेड़ पौधे और फल ही खाकर अपने पेट का गुजारा करते हैं, और ये पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। नंबर 6, पूटू बर्ड। दोस्तों, ये पक्षी ड्राई फॉरेस्ट में पाया जाता है, जिसे शायद आपने कहीं देखा भी होगा, क्योंकि इस पक्षी को काफी वक्त से देखा भी नहीं गया है। वहीं इसके छिपे रहने के पीछे की वजह ये भी है कि ये छिपने में बड़े माहिर होते हैं। आपको बता दें कि इनके शरीर और इनके पंखों की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि अगर किसी सूखे पेड़ पर ये जाकर बैठ जाएं, तो शायद ही आप इनको पहचान पाएं, क्योंकि ये खुद भी सूखी टहनियों के जैसे दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि इनका मुंह बाकी पक्षियों के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा होता है और दिखने में थोड़ा सा डरावना भी होता है। इनका स्वभाव काफी शांत होता है, मगर चेहरे से ये बहुत ज्यादा डरावने लगते हैं। खैर, इनसे हमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर तो ये पक्षी दिन में सोते रहते हैं या फिर बैठे रहते हैं, और रात में खाने की तलाश में निकलते हैं। नंबर 7, इनका टर्न। दोस्तों, आप खुद देखिए कि ये बर्ड कितनी ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि ये वाकई में बाकियों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। दोस्तों, जरा इनके मुंह की तरफ ध्यान से देखिए, किस तरह से इसकी मूंछ निकली हुई है। मगर हाँ, आपको बता दें कि ये सफेद मूंछ ही तो इनकी खासियत है, जिसकी वजह से ये बाकियों से अलग दिखाई देती हैं। नंबर 8, बान आउल।
दोस्तों आउल की दुनिया में शायद ये वाली प्रजाति ऐसी है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है। इसके साथ ही इसकी खास बात यह है कि ये पक्षी सबसे तेज उड़ने वाले पक्षियों में से एक है, जो कि करीब 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं। और इतना ही नहीं, ये जब भी उड़ते हैं तो बिना आवाज की उड़ते हैं, ताकि ये अपना शिकार आसानी से पकड़ सकें। इसके साथ ही इनकी सुनने की शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत आउल्स में से एक हैं, जो कि दिखने में बहुत ही क्यूट दिखते हैं, और शायद इसी वजह से बहुत से लोग अपने घरों में इन्हें पालने की इच्छा रखते हैं। और एक बार को तो इनकी हरकतें देखकर आपको इनसे प्यार हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरा आपसे एक सवाल है कि इनमें से कौन सा बर्ड आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। और इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।